की तरह इस साल भी ईद मिलाद के मौके पर यवतमाल जिले के दिगरे शहर में मौलाना अब्दुल कलाम मार्केट लाइन में कादरी ग्रुप की ओर से आयोजित लंगर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कौमी एक जयंती और भाईचारे के साथ कादरी ग्रुप द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बेहद कामयाब रहा। हमेशा की तरह इस बार भी ईद मिलाद के मौके पर कादरी ग्रुप ने बीते रविवार की शाम को तमाम दिग्रस वासियों के लिए लंगर यानी महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम का न सिर्फ आयोजन किया बल्कि इस कार्यक्रम में शहर के सभी जाति धर्मों के आम और खास नागरिकों को शामिल कर दिग्रस शहर की हिंदू मुस्लिम एकता को साकार किया। इस कार्यक्रम में कादरी ग्रुप के बुलावे पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी खुशी समारोह में उपस्थिति दर्ज की। इस कार्यक्रम में राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पत्रकारिता आदि सहित व्यापारी बंधुओं और दिग्रस शहर के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आगाज कुरान पठन और फातिया खौनी से हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व उपनगर अध्यक्ष अजिंक्य मात्रे ने योगा योग से ईद मिलाद और गणेश विसर्जन एक ही दिन होने से कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए मुस्लिम बंधुओं ने ईद मिलाद एक दिन बाद मनाने का जो बड़े दिल से फैसला किया उसकी तारीफ करते हुए इस पहल को सराहनीय बताया। मैं दिग्रस के सभी मुस्लिम भाइयों को दिल से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा दिल रखकर वो तारीख छोड़कर दूसरी तारीख जुलूस निकालने की ली और हमारे गाँव के बुजुर्ग जावेद पटेल साहब इन्होंने एसपी के पास जाकर सैयद अकरम भाई हो गए ऐसे कुछ लोग जाके उन्होंने खुद जाकर एसपी साहब को बोले कि साहब जी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको ऐसा दिक्कत आ रही होगी तो 29 तारीख को हम जुलूस निकालते हैं 28 तारीख को गणेश विसर्जन करो। तो ये दिग्रस के लिए बहुत बड़ी यानी बात है यानी एकता की मिसाल है और ये दिग्रस का अनुकरण करते हुए दारवा आर्नी कारंजा मानोरा यहाँ पे भी और बाद में पूरे महाराष्ट्र में 29 तारीख को ये ईद का जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया और अभी फातिहा पढ़नी है ये करना है उसके लिए टाइम हो रहा है करके मैं एक मेरे दो शब्द बोलता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। उससे पहले जो 13 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है मैं 13 साल से ये कार्यक्रम में आ रहा हूँ जब भी मैं नगर सेवक भी नहीं था तब से आ रहा हूँ। ये दोस्ताने के हिसाब से मैं सभी इस ग्रुप मेंबर का भी आभार व्यक्त करता हूँ आयोजनकर्ता का आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी जगह लेने से पहले दो शब्द कहता हूँ। काजी साहब धर्म मजहब पे लड़ना धर्म मजहब पे लड़ने वालों को दिखा दिया हमने धर्म मजहब पे लड़ने वालों को दिखा दिया हमने भाईचारे का पैगाम दे दिया हमने भाईचारे का पैगाम दे दिया हमने। मैं एक हिंदू हूँ मैंने सलाम कर दिया उसको वो एक मुसलमान था उसने राम राम कह दिया हमको जय जय। इस दौरान लंगर कार्यक्रम के शानदार आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए पत्रकार सुरेश चिरडे और पूर्व उपनगर अध्यक्ष जावेद पटेल ने भी अपने विचार साझा किए। अगर कोई भी सन या उत्सव हो उसमें अगर सब जाति धर्म के लोग नहीं रहे तो उसमें मजा भी नहीं आता। सबको हर एक का सम्मान करना चाहिए इसलिए सिर्फ एक शेर बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम मुसाफिर हो यह मुमकिन है कि राह में वक्त पे शाम आ जाए। तुम मुसाफिर हो यह मुमकिन है कि राह में वक्त पे शाम आ जाए सबसे झुक कर मिलो खुदा जाने कौन किस वक्त काम आए। तो मैं इनके गहराइयों से कादरी ग्रुप का को मुबारकबाद देता हूँ खुदा की बार काम दुआ करता हूँ अल्लाह इज्जत दौलत शोहरत से नवाजे और हुबुल वतनी मुल्क से मोहब्बत हमने आपस में एकजुट हमने आपस में भाईचारा हमेशा कायम रहे दिग्रस में मोहब्बत भाईचारा हमेशा कायम रहे इन्हीं दुआओं के साथ अपने लफ्जों को खत्म देता हूँ हमारे आखिर अलहमदुल्ला। इस कार्यक्रम में शहर काजी अबू जफर सहित पूर्व नगर सेवक केतन रत्न पारखी सैयद अकरम
आमिन चौहान सर, पत्रकार पीपी पप्पू वाले, गोपाल शाह सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी इस कार्यक्रम के आयोजन में सोना एक्वा के संचालक नैयर अली मलनस और साबरी बिछायत के संचालक सैयद नदीम ने इस साल भी निःशुल्क रूप से पेयजल और बिछायत सामग्री उपलब्ध कराते हुए अपना अहम योगदान दिया। बहरहाल ईद ए मिलाद के मौके पर संपन्न हुए इस कार्यक्रम में तमाम हिंदू मुस्लिम बंधुओं की मौजूदगी से जश्न ईद ए मिलाद का मानवतावादी संदेश सही मायनों में साकार हुआ। कुल मिलाकर कादरी ग्रुप के पदाधिकारी और सदस्यों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।